इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में श्रीकांत त्यागी को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी पर महिला से गाली गलौज के बाद गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। जमानत का आदेश जस्टिस सुरेंद्र सिंह ने श्रीकांत त्यागी की अर्जी सीनियर एडवोकेट जेएस चतुर्वेदी, अधिवक्ता अमृता राय मिश्रा, आलोक रंजन मिश्र और सरकारी अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दिया है। दिवाली से पहले श्रीकांत त्यागी को जमानत मिलने की खबर मिलते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। गैंगस्टर मामले में श्रीकांत त्यागी को जमानत मिलने पर पत्नी अनु त्यागी फूली नहीं समा रही हैं। उन्होंने कहा, मेरे लिए तो मेरे पति श्रीकांत त्यागी राम की तरह है। उनका स्वागत हम दिवाली पर उसी प्रकार करेंगे जैसे भगवान राम का अयोध्या पहुंचने पर किया गया था। मेरा परिवार बिल्कुल उसी तरह उनका स्वागत करेगा। नोएडा से ताहिर सैफी की रिपोर्ट। तो मेरे लिए तो मेरे पति श्रीकांत त्यागी राम की तरह हैं और उनका स्वागत हम जिस तरह से दिवाली पर भगवान राम का स्वागत किया गया था तो मेरा परिवार तो बिल्कुल उसी तरह से उनका स्वागत करेगा। मैम, कभी सोचा था कि ये जरा सी बात इतनी दूर तक चल जाएगी और मामला इतना बढ़ जाएगा? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं भी यही कह रही थी जो आज आपने सवाल किया है, मैं आपकी एक छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाएगी, तो मैं भी यही कह रही थी बात बहुत छोटी सी थी जिसको बहुत बड़ा बना दिया गया।